Hello students, how are you? I hope you will be fine. Here is your chapter, Assistant Lesson 4, the Peninsular Plateau. Peninsula means piece of land surrounded by water on three sides. Peninsula जो होता है, peninsula land जो होती है, वो ऐसी land होती है, a piece of land जो three sides से पानी से covered होती है. That is peninsula. Now open page number 32. I have taught you page number 31, the peninsula introduction of peninsular plateau. Now I will teach you the next topic, the central highland. All of you look into your book and listen carefully. The central highland, the part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as the Central Highland. The part of the Peninsular Plateau का वो part, वो हिस्सा, जो नर्मदा नदी के north में स्थित है, जो नर्मदा नदी के north में स्थित है, उसने बहुत सारा area Malwa Plateau का cover किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं Central Highland. पेनिनसुला प्लेटो का वो पार्ट जो नर्मदा नदी के नॉर्थ में स्थित है और मालवा प्लेटो का एरिया, उसने बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड. इट इज़ बाउंडेड बाय द अरावली रेंज इन द वेस्ट. सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट में अरावली रेंजेस स्थित है और उसके सॉरी वेस्ट में अरावली रेंजेस स्थित है और उसके साउथ में विंध्या रेंज. अरावली रेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस है उसको हम बोलते हैं अरावली रेंजेस. इसके बाद आता है इन द ईस्ट द मालवा प्लेटो एक्सटेंड्स अप टू द छोटा नागपुर प्लेटो. पूर्व में ईस्ट में जो मालवा प्लेटो का एक्सटेंशन है, मालवा प्लेटो कहाँ तक फैला हुआ है, अप टू द छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर पहाड़ तक. द मालवा प्लेटो इज ड्रेन्ड बाय द रिवर चंबल, सिंध, सोन एंड दामोदर. मालवा प्लेटो का जो पानी है वो कौन सी नदियों में ड्रेन किया जाता है, वो आता है चंबल नदी, सिंध नदी, सोन नदी एंड दामोदर नदी. नाउ नेक्स्ट पैरा, द चंबल एंड बेतवा रिवर जॉइन द रिवर यमुना वाइल द सोन रिवर जॉइन्स द रिवर गंगा. अब ये जो नदियां हैं, जैसे चंबल है और बेतवा नदी है, ये यमुना नदी को ज्वाइन करती है, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, जबकि जो सोन रिवर है वो गंगा नदी में जाकर मिलती है. छोटा नागपुर प्लेटो कवर्स झारखंड. छोटा नागपुर प्लेटो के जो अंतर्गत है वो कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, वो आते हैं आपके झारखंड, वेस्टर्न उड़ीसा एंड द नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़. दीज रीजन्स आर फुल ऑफ मिनरल्स. तो जितने भी स्टेट्स हैं इनमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कोल, बॉक्साइट एंड माइका. दिस वॉज द टॉपिक सेंट्रल हाईलैंड. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द डेक्कन प्लेटो. Today I will complete you these two topics. The part of the peninsular plateau. अब डेक्कन प्लेटो के बारे में बताती हूँ मैं. Peninsular plateau का वो part जो विंध्या रेंज के south में स्थित है उसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटो. The highest peak of the peninsular region. Peninsular क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं अनाईमुड़ी, जिसकी height है 2,695 meters समुद्र से. समुद्र से इसकी ऊंचाई है 2,695 मीटर्स. इट्स सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ केरला. अनाईमुड़ी जो सबसे ऊंची चोटी है ये केरला स्टेट में सिचुएटेड है. द डेक्कन प्लेटो इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स. डेक्कन प्लेटो की दोनों साइड वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट से वो सराउंडेड है. दीज घाट्स मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स. दोनों घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं. टू द साउथ ऑफ सतपुड़ा रेंज फ्लो द तापी रिवर. सतपुड़ा जो रेंज है उसके साउथ में तापी रिवर फ्लो करती है, तापी रिवर बहती है. लाइक नर्मदा दिस रिवर ऑल्सो फ्लोज इन टू द अरेबियन सी. नर्मदा की तरह ही ये नदी भी अरेबियन सी में जाकर गिरती है. बोथ नर्मदा एंड तापी रिवर्स डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा. नर्मदा और तापी रिवर कोई भी डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं. डेल्टा क्या होता है? डेल्टा वो होता है जो नदियाँ अपने साथ, अपने किनारे पर अपने साथ बहकर मिट्टी और रेत, बालू वगैरह लेकर आती है, उससे जो ट्रायंगल शेप में जो शेप बनती है, ट्रायंगुलर शेप बनती है, दैट इज़ नोन एज डेल्टा. तो ये दोनों रिवर कोई डेल्टा नहीं बनाती हैं. द अदर मेजर रिवर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो इंक्लूडिंग द
कुछ डेक्कन प्लेटो की ओर बहुत बड़ी महान नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये सभी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। एट दी रिवर्स मेक देयर डेल्टाज नियर दी कोस्ट, और ये सारी नदियाँ अपने किनारे पर जो डेल्टाज हैं वो बनाती हैं। द गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर, डेक्कन प्लेटो की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी बुलाया जाता है। लास्ट पैरा इस टॉपिक का, द लाइफ स्टाइल एंड कल्चर ऑफ द पीपल प्लेटो रीजन इज वेरी इंटरेस्टिंग, इस रीजन का जो लाइफ स्टाइल है, पीपल्स जो रहने वाले लोग हैं उनका लाइफ स्टाइल है, उनकी जो संस्कृति है, उनके रीति रिवाज है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सबसे अलग है, यूनिक है। यू विल फाइंड आउट अबाउट द क्लॉथिंग दे वियर, उसके बारे में स्टेट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो लोग किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, किस टाइप का वो खाना खाते हैं, किस टाइप के हाउसिंग में रहते हैं, कौन कौन से सेलिब्रेशंस करते हैं। दीज आर इनक्रेडिबल, बहुत ही अविश्वसनीय है उनके बारे में जब हम आगे इसमें पढ़ेंगे। इंक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय। द रीजन कवर्स द स्टेट्स ऑफ, इस रीजन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में आगे मैं पढ़ाऊंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये इतने सारे स्टेट्स हैं जो इस रीजन में आते हैं। इनके बारे में एक एक स्टेट के बारे में डीपली आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से अपनी बुक ओपन करके तब वॉच करोगे और केयरफुली सुनोगे कि मैंने इसमें क्या एक्सप्लेन किया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।